वेलकम टू एमिनेंस क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना प्रीवियस टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अब तक पढ़ा कि काइनेटिक्स क्या है, किस किस चीज से हमारी काइनेटिक्स डील करती है, आगे उसका स्कोप क्या है, हम पढ़ते किस लिए है काइनेटिक्स, और हमने पढ़ा कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि आर जो है हमारा रेट जो है क्या होता है, प्लस माइनस डीसी बाय डीटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीसी क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे ही हमारी रिएक्शन हो रही है तो हमारा कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है, और डीटी क्या है, चेंज ऑफ टाइम। कि हमारा टाइम के साथ मतलब टाइम में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डीसी बाय डीटी। अब यहाँ पे बात आई कि हमारे पास जो रेट होता है, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि रेट जो होता है हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी आपका जो आंसर है रेट का वो नेगेटिव में नहीं आएगा। देखो, अगर आपने स्टार्ट किया 10 मोल से स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 11 मोल में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, 10 से कम ही होगा हमारा जो रिएक्टेंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो हमारे पास उससे जो क्वांटिटी है कम होगी, ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कभी भी नेगेटिव तो रेट नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमने आर के आगे प्लस माइनस डीसी बाय डीटी क्यों लगाया। ठीक है, तो इसको हम एक चीज से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास कोई रिएक्शन है ए टू बी, ये हमारे पास हमें पता है क्या होता है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। आपको दिया हुआ है कि टाइम जीरो पे ये क्या था, 10 मोल था। आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है कि आपने जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, 10 मोल रिएक्टेंट ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो उस टाइम तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम क्या था, मान लो 1 सेकंड ले लिया हमने। 1 सेकंड बाद हमने देखा कि हमारी जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, 8 मोल हो गई। ठीक है, 8 मोल कंसंट्रेशन हो गई हमारी, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कितना, मान लो उसने दिया हुआ है क्या, 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है इस चीज का। तो अब रिएक्टेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। हमें रेट क्या, इसकी क्या दी हुई, कंसंट्रेशन ए की भी दी हुई है और बी की कंसंट्रेशन भी दी हुई है। और यहाँ से एक चीज समझनी है, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कि आफ्टर ए टाइम जो हमारे पास रिएक्शन आया, आई कंसंट्रेशन, और जो पहले थी, उन दोनों को आपस में माइनस करना, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से चेंज इन कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया, C2 - C1, और चेंज इन टाइम क्या हो गया, जो टाइम बाद में था और जो बाद पहले था, T2 - T1। तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन का वो क्या आ गया, C2 - C1, T2 - T1। अब C2 किसको मानते हैं, कंसंट्रेशन आफ्टर ए टाइम। तो C2 हमारे पास A की, पहले हम डिस्कस करेंगे A की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो A की हमारे पास क्या आ जाती है, 8। C1 क्या हो जाएगा इसका, 10 मोल। टाइम हमारे पास क्या था, बाद में क्या था, 1 सेकेंड, पहले क्या था, 0 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। जब हमने रिएक्टेंट की देखी तो हमारे पास क्या आ जाता है, DR/DT, DC/DT हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अभी हमने बात की कि हमारा रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम पहले से ही क्या करते हैं, रिएक्टेंट के केस में -DC/DT लगा देते हैं। -DC/DT क्यों लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी सोचने वाली बात है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। तो हमारे पास रिएक्टेंट के केस में रेट क्या हो जाता है, -DC/DT हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि रिएक्टेंट के केस में हमने क्या लगा दिया, -DC/DT, और DC/DT आपका पहले से ही क्या आ जाता है, कुछ नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करके ओवरऑल हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया
कि रिएक्टेंट की हमारे पास जो होता है फॉर्मूला कंसेंट्रेशन का, तो R इज इक्वल टू माइनस डीसी बाय डीटी होता है। ठीक है, तो अगर इसे को अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में करें, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने क्या किया, डीसी बाय डीटी निकाला, तो हमारे पास क्या हो गया, वही सी टू माइनस सी वन, डी टू माइनस डी वन। बस अब डिफरेंस क्या होगा, सी टू हमारा प्रोडक्ट का होगा और सी वन भी क्या होगा, प्रोडक्ट का। सी टू क्या होगा, आफ्टर अ टाइम हमारी जो कंसेंट्रेशन आई, और सी वन क्या होगा, जो पहले से हमारी, जो जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब क्या कंसेंट्रेशन थी। तो सी टू हमारे पास क्या हो गया टू, सी वन क्या हो गया जीरो, तो टी टू हमारे पास भाई टाइम तो सेम ही रहेगा वन माइनस जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया टू। ये पहले से ही पॉजिटिव है तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी सी बाय डी टी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब समझ में आया कि मैंने आर को प्लस माइनस डीसी बाय डीटी क्यों लिखा, क्योंकि रेट तो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की फॉर्म में निकाल सकते हैं। या तो हम क्या करें, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम कर दे उस हिसाब से निकाल ले, या फिर हम क्या करें प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करके। हमें कुछ भी दिया हो, अगर हमें रेट ऑफ अगर इसकी दी हुई है कंसेंट्रेशन तो हम रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल जो रेट आता है क्या आता है, हम ओवरऑल लिख देते हैं आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी बाय डीटी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी बाय डीटी क्यों होता है। ठीक है, अब हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट हमने देखा क्या आ गया, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी बाय डीटी। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिखे तो माइनस डीसी बाय डीटी आ गया। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे तो क्या आ गया, प्लस डीसी बाय डीटी आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ दिस डीफॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डीफॉर्मेशन डिसअपीयरेंस आप जो भी यूज करना चाहो ऑफ रिएक्टेंट। कि आपके पास क्या है, रिएक्टेंट के कम होने की, रिएक्टेंट के खत्म होने की, डिसअपीयर होने की जो कंसेंट्रेशन होती है, हमारे पास रेट होता है, वो हमारे पास किससे डिफाइन करते हैं, हम आर इज इक्वल टू माइनस डीसी बाय डीटी। तो अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालो तो आप इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास आ जाता है प्लस डीसी बाय डीटी, इसको हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस, कुछ भी आ सकता है इसका नाम, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं काइनेटिक्स में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। काइनेटिक्स में क्या, हम पूरी केमिस्ट्री में यही करते हैं, रिएक्टेंट से हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट ऑब्वियसली चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, और जो चीज चेंज हो रही है ऑब्वियसली वो क्या होगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे, क्या होगी टाइम के साथ कम होती जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं खत्म होती जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और जो है हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, धीरे धीरे बनता जा रहा है बनता जा रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमारा जो पहले था जो कुछ नहीं था, जीरो था, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जा रहा है हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट कुछ बन के आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, जीरो से वन टू थ्री, मतलब इस टाइप से बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज समझ आ जानी चाहिए अच्छे से कि हमारे पास रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, और इसको इसलिए क्यों नाम हम देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट की हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आएगी, रिएक्टेंट हमारा धीरे धीरे डीफॉर्म हो रहा है तो इसलिए हमारे पास रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रिएक्टेंट की आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या टॉपिक आया हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास यूनिट क्या होगी, अब यूनिट नॉर्मली हमें कुछ नहीं करना, हम नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्मूला है हमें तो फॉर्मूला पता है, हम वो लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी बाय डीटी है। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। अब बताओ कि डीसी क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन।
और कंसंट्रेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, एन बाय पी, या फिर हम क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट तो हमारे पास डायरेक्ट कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ जाती है, मोल पर लीटर। क्यों आ जाती है समझ में आती है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन को एन बाय बी से लिखते हैं, एन बाय बी मीन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो हमारे पास मोल पर लीटर तो इसकी यूनिट आ जाती है। तो ऑब्वियसली हम आर की यूनिट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी सी की क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, और यहाँ से टी की अगर हम चेंज कर, चाहे चेंज हो या कुछ भी हो, हमारे पास यूनिट तो टाइम की चेंज से ही आएगी ना। टाइम को हम किस में लिख सकते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं, मिनट में लिख सकते हैं, आर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं इसको सेकंड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो करो इसको क्या हो जाएगा हमारे पास रेट की ओवरऑल यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट की यूनिट हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, सेकंड यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हमारी यूनिट आ गई रेट की। अगर यहाँ पर मिनट लिख लेते तो हमारे पास मोल पर लीटर पर मिनट आ जाती, अगर आपके पास आर में टाइम दिया हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर आर। तो इसमें इतना ज्यादा वो सोचने की बात नहीं कि हम सेकंड लेंगे क्या, मिनट लेंगे या आर लेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी यूनिट रख लेंगे। अगर आवर में दिया हुआ तो आर रख लेंगे, अगर हमारे पास मिनट में दिया हुआ तो हम उसको मिनट में रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी यूनिट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आती है, जो चीज अभी समझ लेते हैं कि हमारे पास ये तो क्या है, ए टू बी जब जा रहा है हमारा, मान लो ए क्या है लिक्विड है या फिर सॉलिड है, ऐसे बी क्या है लिक्विड है या सॉलिड है, लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या है लिक्विड और सॉलिड की जगह गैस हो, हमारे पास क्या हो गैस की फॉर्म में दिया हुआ हो, गैस की फॉर्म में अगर हमें दिया हुआ हो तब हमारे पास हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कॉम्पोजिशन को कंसंट्रेशन से नहीं लिखते हैं, तब हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर, गैस को हम मेजर करते हैं पार्शियल प्रेशर में। तो यहाँ से हमारे पास रेट की यूनिट डी सी बाय डी टी की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, डी सी बाय डी टी की जगह क्या आता है डी पी बाय डी टी, और पी हमारे पास यहाँ पे क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे आपको क्या दिया होगा प्रेशर में ही दिया होगा यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R इज इक्वल टू डी सी बाय डी टी नहीं, क्या आ जाएगा प्लस माइनस डी पी बाय डी टी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट निकालना चाहें, हमारे पास क्या है R इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, प्रेशर की हमारे पास यूनिट हम नॉर्मली क्या कैलकुलेट करते हैं केजीएम। ठीक है, और टाइम की हमारे पास क्या होती है सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी एटीएम पर सेकेंड। यहाँ से ये चीज भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस है तो हमारे पास रेट कांस्टेंट, रेट की जो यूनिट है क्या आ जाएगी एटीएम पर सेकंड, और अगर हमारे पास लिक्विड या सॉलिड कुछ दिया हुआ तो हम कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं तो हमारे पास वहां पे यूनिट क्या आ जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों यूनिट और वो सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, यूनिट डायरेक्ट भी कई बार पूछ ली जाती है, तो अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं है तो आप इस टाइप से सोल्व भी कर सकते हैं, अगर ध्यान है तो ऑब्वियसली आपका टाइम बचेगा और आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। तो आज हमने समझ लिया अच्छे से कि रेट क्या है, रेट क्या है और हमारे पास रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन और हमारी यूनिट क्या क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे काइनेटिक्स को, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।